हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे चैनल जितेंद्र चौधरी में स्वागत है और हमें खुशी है कि आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आ रहा है और आप लोग हमें डे बाय डे रिस्पांस दे रहे हैं और जो जो भी प्रॉब्लम आपको अपने काम में आ रही है तो उसके आप हमारे से सवाल जवाब कर रहे हैं। और अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकॉन भी दबा दीजिए जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहेंगी। और इसमें हम कुछ वीडियो हमने जो पहले डाली थी उनका आप लोगों ने उन पे सवाल किया है कि भाई इसका कैसे है, इसका कैसे है, तो मैं आज पांडे जी को आपके लिए लेके आया हूँ, उन्हीं सवालों के आपको ये जवाब देंगे। आइए पांडे जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। थैंक यू, धन्यवाद। और आपको सर आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं मैं तो, जो हमने पिछली वीडियो बनाई है उनमें लोगों ने पूछा है हमारे से। एक तो ये पूछा है कि जो मैंगो फ्लेवर डालते हैं सर हम, जी हाँ, तो वो कौन सा मैंगो फ्लेवर है, अच्छा है सबसे, और कौन से नंबर का और कौन सी कंपनी का? डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपके सवालों जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर देना चाहता हूं। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा कि मैंगो फ्लेवर कौन सा बढ़िया है, कौन सा कंपनी। तो मैंगो फ्लेवर बहुत सारी कंपनियों के अच्छे हैं, पर उसमें से एक दो कंपनियों को जिसका मैं नाम ले रहा हूं, जैसे बूस का है, बूस IFF का, उसमें उसका नंबर है C3212, वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का। दूसरा सिमराइज कंपनी है, तो उसका भी 210619 नंबर का, 210629 नंबर का और एक फ्लेवर आता है सिमराइज का मैंगो फ्लेवर, okay. वो भी बढ़िया है। तो ये दोनों डाल के हम अपना प्रोडक्ट को अच्छा बना सकते हैं। और ठीक है, आगे का क्या क्या क्वेश्चन है आपका? अगला क्वेश्चन है सर, जो मैंगो पल्प है, मैंगो पल्प को होमोनाइजेशन कैसे किया जाना चाहिए, किस प्रकार किया जाना चाहिए जो उसका होमोनाइजेशन करते हैं मैंगो पल्प का? सचमुच आज बनाने के लिए जो हम मिक्स जो मिक्स बनाते हैं ना, मैंगो पल्प, शुगर, लिक्विड ग्लूकोज एंड स्टेबिलाईजर जो है, वो सब एक साथ मिला के गर्म करना चाहिए। okay. अलग से मैंगो पल्प का होमोजेनाइज, सब साथ में जो मिक्सचर होगा उसका हम होमोजेनाइज करते हैं अराउंड 2000 से 2500 PSI पे उसको होमोजेनाइज करते हैं। मैंगो पल्प को अलग से नहीं करता, मिक्सचर में ही जाता है मैंगो पल्प, फिर उसको हम होमोजेनाइज करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन जी, और एक क्वेश्चन है सर हमारा कि चोकोबार जो है, चोकोबार के लिए उसमें चॉकलेट और ऑयल का जो हम वो डालते हैं ना, कूलेस डालते हैं या क्रिस्प डालते हैं, उसका क्या रेशियो रहता है सर, कितने कितने परसेंट होता है, क्या परसेंटेज होता है उसका? उसका रेशियो रहता है 50-50 हम चोको पेस्ट लेते हैं और 50% हम ऑयल लेते हैं। पहले ऑयल को हम करीब 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, उसके बाद फिर उसमें पेस्ट डाल देते हैं, फिर उसको कंटिन्यूअस स्टीरिंग करते हैं तो अपना चोको पेस्ट बन जाता है। ओके, 50-50 का रेशियो रखते हैं उसको। अच्छा, 50-50 का रेशियो रखते हैं, 50% paste, 50% oil. ठीक है। और एक सर, एक जो सचमुच आम में हमारे से ये पूछा गया है कि कंटीन्यूअस फ्रीजर की जगह क्या हम चर्नर का यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास तो कंटीन्यूअस फ्रीजर नहीं है ना। जी जी, हमें ओवररन लेना है 30-40%। ओके, तो हम कंटीन्यूअस का भी यूज कर सकते हैं, चर्नर का भी, पर चर्नर में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा उसको एडजस्टमेंट, एयर का जो एडजस्टमेंट है वो करना पड़ेगा, ये एयर ज्यादा ना, उसको कम एयर देके ही निकाल लें। अच्छा, कम एयर देके ही निकाल लें, हाँ, तो वो भी हो सकता है। अच्छा, वो भी हो सकता है, हो सकता है। और एक पांडे जी, सभी वीडियो पे लोगों का ये भी सवाल आया है, तो ये जरा थोड़ा सा इसमें स्पष्टीकरण आप ये दीजिए, किस भाई कंटीन्यूअस फ्रीजर और चर्नर, हाँ,
अगर हम कॉन्टिन्यूस फ्रीजर की जगह चर्नर को यूज करते हैं सभी चीजों में, जैसे आइसक्रीम का मिक्स हो गया या चोकोबार हो गया या कोई मतलब जो जो भी प्रोडक्ट हम मतलब बनाते हैं, तो ये कॉन्टिन्यूस फ्रीजर की बजाय वो लोग चर्नर भी यूज कर सकते हैं? वो अगर चर्नर यूज करेंगे तो उनको क्या भाई क्या क्या चीज का ख्याल अपना ध्यान रखना पड़ेगा? कंटिन्यूस फ्रीजर और चर्नर में दोनों में फर्क होता है। कंटिन्यूस में कंटिन्यूस में लगातार उसमें हम टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं, ओवररन भी कंट्रोल कर सकते हैं, और जी उसमें जो फ्रीजिंग होता है ना वो भी एक जैसा होता है। और जो वेज फ्रीजर में हम कंट्रोल टेम्परेचर भी नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, और प्लस उसका जो शुरुआत में ओवररन कभी ज्यादा रहता है, बीच में कम, लास्ट में कम हो जाता है, मतलब एक जैसा ओवररन मेंटेन नहीं कर पाते, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी हम बराबर कंट्रोल नहीं करते। इसलिए अगर कंटिन्यूस फ्रीजर से जो प्रोडक्ट निकालते हैं उसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, उसको हम 6 महीने 8 महीने तक रख सकते हैं, 1 साल तक भी रख सकते हैं, अगर प्रोवाइडेड कि अगर फ्रीजिंग बराबर एक्यूरेट हो, -25 या -30 तक अगर टेम्परेचर रहे तो हम उसको 6 महीने या 12 महीने भी रख। और बेज फ्रीजर में ऐसा नहीं है, बेज फ्रीजर में कंट्रोल नहीं है इसलिए उसकी लाइफ कम होती है, उसको हम 15 दिन या 1 महीने तक ही उसको मतलब सेल्फ लाइफ उसकी कम हो जाती है, और उसमें कंट्रोल भी नहीं, और एक जैसा माल नहीं निकलता। अच्छा, मतलब चर्नर में एक जैसा माल नहीं निकलेगा, एक जैसा माल नहीं निकलेगा, इसलिए हम प्रीफर करेंगे कि कंटिन्यूस फ्रीजर का ही यूज करें। अगर बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना हुआ जी तो कंटिन्यूस फ्रीजर ही यूज करना चाहिए। वैसे चल अपना चर्नर से भी जाएगा, चर्नर से भी हम माल तो बना ही रहे हैं, माल तो बना सकते हैं, बट क्वालिटी में फर्क आएगा, क्वालिटी में फर्क आएगा, कंटिन्यूस की क्वालिटी एक जैसा मिलेगा पर चर्नर की क्वालिटी एक जैसा नहीं मिलेगा, एक जैसा नहीं, ये फर्क है। सही है, चलो ठीक है पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने आपने आज हमें ये इन सवालों के जवाब दिए, और उम्मीद करता हूँ अपने दर्शकों से कि उन्हें उनके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर किसी को अभी कोई सवाल का जवाब नहीं मिला है तो वो कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे आप लिख दीजिए, और मैं अगली वीडियो में आपको उन सवालों के जवाब मैं पांडे जी से दिला दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।